हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं DSSB के लिए मॉक टेस्ट नंबर 3। ठीक है, और इस मॉक टेस्ट में जो है हम TGT इंग्लिश का पेपर डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो थे वहाँ पे पूछे गए थे। ओके, तो 100 क्वेश्चंस हैं टोटल, तो खुद को चेक कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस जो हैं इसमें से सही कर पाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्वथा भिन्न शब्द चुनिए, जो इन चारों में सबसे अलग है वो शब्द चुनना था, न्यून, सम, अधिक या समांतर। तो देखिए, न्यून कोण भी होता है, अधिक कोण भी होता है और सम कोण भी होता है। ठीक है, तो समांतर जो है इसमें अलग हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं, और ये तीनों क्या होते हैं, कोण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यार्ड का इंच से वही संबंध है जो क्वार्ट का डैश से है, गैलन, ऑन्स, दूध या दर्व। यार्ड और इंच में रिलेशन वही है जो क्वार्ट और डैश का है। तो देखिए, यार्ड और इंच, इन दोनों का ही यूज़ किस लिए करते हैं हम, दूरी मापने की ये इकाई है। ठीक है, दूरी मापने के लिए। इसी तरीके से क्वार्ट से हम क्या मापते हैं, भार मापने की इकाई होती है। तो इनमें से भार मापने की इकाई कौन सी है, औंस है। तो यहाँ पर औंस जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे। नेक्स्ट है, सारा पूर्वी तट पर एक बड़े शहर में रहती है, उसकी छोटी बहन मार्ली 1000 रहवासियों से कम वाले एक छोटे कस्बे में मध्य पश्चिमी में रहती है। पिछले 5 वर्षों में मार्ली सारा के पास कई बार आई है। इस पूरी अवधि में सारा मार्ली के पास केवल एक बार गई है। तो इनमें से सही कथन छाट के बताना था, जो ये चार ऑप्शन दिए कि इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले, मार्ली सारा को अधिक पसंद करती है जितना सारा मार्ली को पसंद नहीं करती। तो इस पैसेज में जो भी ये दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन, क्या इसमें ऐसा कुछ बताया गया कि कौन किसको ज़्यादा पसंद करता है, तो नहीं बताया गया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सारा को लगता है कि छोटे कस्बे उबाऊ होते हैं, ऐसा भी कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, इसमें क्योंकि ऐसा बताया नहीं गया है, सिर्फ इतना कहा गया कि सारा एक बार गई है, लेकिन रीज़न क्या है एक बार जाने का, वो कोई रीज़न नहीं दिया है। ठीक है, तो छोटे कस्बे उबाऊ होते हैं ऐसा भी कोई नहीं मान सकते हैं। सारा मार्ली से बड़ी है, सारा मार्ली से बड़ी है, तो ये एक चीज इसमें बताई गई है कि उसकी छोटी बहन मार्ली, किसकी, सारा की छोटी बहन मार्ली। तो सारा ऑब्वियस है मार्ली से बड़ी है, तो यहां पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और मार्ली पूर्वी तट पर जाना चाहती है ऐसा भी कुछ नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ठीक यहां पे हो जाएगा, सारा मार्ली से बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है, डिटर्जेंट कपड़ों को साफ करने के लिए प्रयुक्त होता है, इसकी अवधारणा दी गई है। डिटर्जेंट अधिक झाग बनाते हैं, डिटर्जेंट धूल और ग्रीस हटाने में सहायता करते हैं, तो कौन सी इस पर लागू होती है, केवल 1, केवल 2, या तो 1 या तो 2 या दोनों ही लागू होती हैं। तो यहाँ पे बात की गई है डिटर्जेंट को जो है हम यूज़ करते कपड़ों को साफ करने के लिए। ठीक है, कपड़े साफ करने के लिए हम जो है यूज़ करते, ये कहा गया। तो यहाँ पर कौन सा सही लग रहा है, डिटर्जेंट जो होता है धूल और ग्रीस हटाने में सहायता करता है, मीन्स वही साफ करने में प्रयुक्त तो होता है। तो सिर्फ एक ही जो है इसे फॉलो कर रही, तो केवल पूर्व धारणा सेकेंड जो है लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया, चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको काउंट करके लिखना पड़ेगा कि कितनी त्रिभुज जो है इसमें बन रही हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप कि इसमें जो है हर एक पॉइंट को आप नाम दे के अलग अलग, जैसे ये एक पॉइंट हो गया ABCDEF, इस तरीके से नाम दे के करेंगे तो मे बी आप जो है सही निकाल पाए, अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है। वैसे भी कितने की शॉर्ट ट्रिक आप याद रखेंगे, क्योंकि वो किसी भी तरीके की जो आपको इमेज दे सकते हैं और उसमें पूछ सकते हैं त्रिभुज की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो आएगी 22। ठीक है, तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए इधर रही 1, 2, इस तरीके से काउंट करेंगे तो पूरी 3 हो जाएगी, फिर आगे ये 4, ठीक है, इस तरफ वाली 5, ये फिर पूरी 6, सेम इसमें बनेंगी 6, 12 हो जाएंगी, फिर आगे ये रही 13, ये पूरी 13, ये फिर 14, और ये पूरा कंप्लीट 15, सेम इसमें 16, 17, 18, तो 18 से तो अबव ही जाएंगी। ठीक है, तो 22 जो है इसमें त्रिभुजों की संख्या आएगी। ओके, और इसके अलावा 18 के बाद भी अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी ट्रायंगल्स ये बन रही हैं यहाँ पे।
ये रही 1 2, इधर ये 3 4, ठीक है, 4 ट्रायंगल, ये 18 वो हो गई थी, 4 22, तो 22 ट्रायंगल्स तो इसमें बनेंगी, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक पासे पर 1 से 6 संख्याएं अलग तरीकों से लिखी गई है, यदि 1 2 4 6 के सन्निकट है तो निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से सत्य है, इनमें से ट्रू बताना है। तो ये क्या कह रहा है कि 1 2 4 6 के सन्निकट है, ठीक है, तो 2 6 के विपरीत है तो हम नहीं बता सकते, ये भी हो सकता है कि 2 6 जो है इस तरीके से हो, ठीक है, विपरीत ना हो के ऐसे साइड में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। 1 3 के सन्निकट है, क्योंकि 3 तो इसमें दिया ही नहीं गया है तो ये भी नहीं पॉसिबल है। 3 5 के विपरीत है, ऐसा भी नहीं बता सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, जब 1 2 4 6 एक दूसरे के सन्निकट है तो हम कह सकते हैं कि 3 5 के सन्निकट है, ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, आव्यूह पूर्ण करें, 1 2 1 2 1 2 दिया है यहाँ पे, 2 2 2 और ये 1 2 1 2, तो यहां पे बताना है कि यहां पे जो है क्या आएगा। तो देखिए इसमें इसने क्या किया है, पहले यहां पे सर्कल था पूरा, ठीक है, फिर यहां पर 6 पॉइंट्स थे इसमें, और यहां पर जो थे कुछ इस तरीके से बनाया गया था ये। ओके, तो यहां से आधा कट करके जो 1 वाला हिस्सा था उसे हटा दिया गया है, सभी में जो ऊपर वाला हिस्सा था नेक्स्ट वाले में, फिर थर्ड लाइन में क्या किया गया, जो ऊपर वाला हिस्सा था उसे उल्टा करके लिखा गया है, ठीक है, जैसे ये 1 था इसको उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया गया, सेम इस वाले हिस्से को इसके ऊपर उल्टा करके रख दिया गया है, तो यहां पर भी तो यही होगा कि जो इसका हिस्सा है 2 का इसको उल्टा करके रखेंगे, और जब उल्टा करके रखेंगे जो उस तरफ झुका हुआ है वो कुछ इस तरीके से इस तरफ जो है झुका होगा, तो 1 2 जो बनेगा, देखिए सीधा तो बिल्कुल नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल सेम इसी की तरह हो गया तो ये भी नहीं है पॉसिबल, ठीक है, इसको जब उल्टा रखेंगे तो ये इस साइड ना झुककर उस साइड झुकेगा, तो यहां पर सी ऑप्शन जो है इसीलिए यहां पे करेक्ट हो जाएगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि जब हम उसे उल्टा करके रखेंगे तो उस तरफ जो है वो ज्यादा झुकेगा। ओके, चलिए देखिए, एक शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता, इसने पूछा है कौन सा नहीं हो सकता, तो देखिए किसी भी शताब्दी के जो है अंतिम दिन कौन कौन से नहीं हो सकते, ना मंगलवार हो सकता है, ना गुरुवार मीन्स बृहस्पतिवार जिसे कहते हैं, और ना ही शनिवार हो सकता है, तो ये तीनों चीज़ें याद रखिए, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये तीनों ही दिन किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक घड़ी को सुबह 5 बजे सही समय पर रखा गया, घड़ी 24 घंटों में 16 मिनट पीछे हो जाती है, जब घड़ी चौथे दिन अपराह्न 10 बजे का समय दिखा रही है तब वास्तविक समय क्या है, तो इसको जो है सॉल्व करना है, तो देखिए इसमें क्या करना है, इसने कहा है 24 घंटों में 16 मिनट पीछे हो जाती है और चौथे दिन अपराह्न 10 बजे यानी कि रात के 10 बजे, तो देखिए 3 दिन तो जो है सुबह के 5 बजे तक पूरे हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद 10 बजे तक कितने घंटे और हो जाएंगे, 3 दिन 17 घंटे, ठीक है, 3 दिन और 17 घंटे बाद पूछा है कि वो 10 बजे का समय दिखा रहा है तो उस वक्त वास्तविक समय कितना होगा, ठीक है, अब देखिए 24 घंटों में वो 16 मिनट पीछे हो जाता है, 16 मिनट तो 3 दिन है, अगले 24 घंटे में फिर 16 मिनट पीछे, अगले 24 घंटे में फिर 16 मिनट पीछे, तो 3 दिन में वो 48 मिनट पीछे हो जाएगा, ठीक है, 3 दिन में 48 मिनट, अब बात करेंगे 17 घंटों की, कि 17 घंटों में वो कितने मिनट लेगा, क्योंकि वो 24 घंटों में ले रहा है 16 मिनट, अब देखिए अगर वो 24 घंटों में 16 मिनट ले रहा है तो एक घंटे में कितना लेगा, 16/24, हमें निकालना है 17 घंटों की, तो गुना 17 कर दीजिए, तो यहाँ पे 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जब हम इसमें जोड़ेंगे इसको तो ये 59 या 60 के आसपास जो है बनेगा, ठीक है, कि वो 60 मिनट जो है वो पीछे हो जाएगी, और अगर वो 10 बजे का समय दिखा रही है और 60 मिनट पीछे है तो ऑब्वियस है वो कितना टाइम बजा होगा उस वक्त, अपराह्न 11 बजे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, 11 बजे। ओके, चलिए अगला देखिए, 7 26 63 1 2 4 2 15 3 42 में लुप्त संख्या बतानी है कौन सी है, यहाँ पे कौन सी संख्या जो है आएगी, तो देखिए इसमें क्या किया गया है, 7 क्या है,
अगर हम इनको देखें तो ये किसी न किसी क्यूब से एक कम दिख रहे हैं, जैसे 6 है, 2 की पावर अगर हम देखें 6 होता है 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 कितना आ गया, 7 आ गया। सेम इसमें देखिए 3 की पावर 3 देखिए तो 27 होता है, और 27 माइनस 1 26 हो रहा है। सेम इसमें 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौक 64, 64 माइनस 1 63 है, ये हो जाएगी 5 की, ये 6 की, ये 7 की। तो नेक्स्ट किसकी आएगी, 8 की आएगी, 8 8 64 और 64 8 कितना हो जाएगा 512, और 512 से एक कम करेंगे तो 511 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रबंधक ने बॉब को सहकर्मियों की उपस्थिति में अपमानित किया। निष्कर्ष दिए हैं कि प्रबंधक बॉब को पसंद नहीं करता और बॉब अपने सहकर्मियों में लोकप्रिय नहीं है, तो कौन सा जो है अनुसरण करता। देखिए यहाँ पर उसने अपमानित किया है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं बताया कि प्रबंधक बॉब को पसंद नहीं करता है, ठीक है, और ना ही ऐसा कुछ है कि बॉब अपनी सहकर्मियों में लोकप्रिय नहीं है, तो ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, ठीक है। अगला है, श्रृंखला दी गई है, इसको पूर्ण करना है, एस सी डी टी एफ यू जी एच डब्ल्यू के एच। तो देखिए इसमें अगर हम सिर्फ बीच वाला अगर देखें तो नहीं, लास्ट वाला देखिए, सी डी ई एफ जी एच, तो अगली क्या होनी चाहिए, आई जे होनी चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक में ही है, ये रहा। और फर्स्ट वाला कैसे चला है, एस टी यू, तो अगला हो जाएगा वी और फिर डब्ल्यू है, तो वी आई जे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके शब्द चुनिए जो शब्द हार्वेस्ट का आवश्यक भाग हो, हार्वेस्ट का जो है आवश्यक भाग हो वो शब्द चुनना है। ऑटम, ट्रैक्टर, स्टॉक पाइल या क्रॉप, तो हार्वेस्ट का आवश्यक भाग कौन सा हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। यदि गॉर्ब फ्लर का अर्थ फैन बेल्ट और इसका अर्थ सीलिंग फैन है और आर्थ्यूट्यूशल का अर्थ दिया है टाइल रूफ, तो किस शब्द का अर्थ सीलिंग टाइल होगा, तो सीलिंग देखिए कहां पर आया है, सीलिंग यहां पर है और टाइल, टाइल जो है ये इसमें है, ठीक है। तो देखिए इस कोड में क्या किया गया, यहाँ पे पूछा है सीलिंग टाइल का, तो सीलिंग देखिए सीलिंग फैन किसका अर्थ दे रहा है, पिक्सन गॉर्बल का, और गॉर्बल फ्लर का अर्थ फैन बेल्ट भी दे रहा है। अब देखिए गॉर्बल इसमें भी आ रहा है, गॉर्बल इसमें भी आ रहा है, लेकिन सीलिंग जो है ये सिर्फ एक में है, तो गॉर्बल ऑब्वियस है सीलिंग का नहीं हो सकता, सीलिंग का क्या हो सकता है, पिक्सन हो सकता है, ठीक है। तो पिक्सन अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ एक में ही है। फिर बात हो रही है टाइल की, टाइल रूफ, यहाँ पर इसका देखिए क्या है टाइल रूफ का, अर्थ ट्यूशल, तो इनमें से जो है कोई एक जो है यहाँ पर इसका बन जाएगा, तो अर्थ जो है यहाँ पे टाइल का हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। अगला है समरूपता पूर्ण कीजिए, के ओ आर टी पी जे डब्ल्यू ओ एफ आई एन आर, तो इसमें क्या कीजिए, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ रिलेशन देख लीजिए, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसका रिलेशन इसके साथ हो या इसके साथ हो, दोनों ही तरीके से जो है ये हो सकता है, मतलब दोनों ही जो है इसमें चांसेस हैं, तो हमें दोनों ही चेक करनी पड़ेंगी कि क्या वो रिलेशन निकल रहा है या नहीं। तो इसमें हम जो है डायरेक्ट रिलेशन देख लेते हैं, जैसे के और एफ में देखेंगे, एफ और के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, अगर हम देखें एफ एफ जी एच आई और जे और फिर आ रहा है हमारा की, ठीक है, यानी कि चार अक्षर आ रहे हैं। फिर आई और ओ में देखते हैं, तो आई के बाद अगर हम चलेंगे आई ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, पहले चार थे फिर पांच हो गए, अगले में ओब्वियस से छः होने चाहिए, तो एन के बाद हम चलेंगे ओ पी क्यू और आर, एक मिनट नहीं ये भी नहीं हो रहा है, तो ये उससे नहीं हो रहा है, तो इससे देखते देखिए सिंपल, के और पी में देखें अगर हम, तो यहाँ पर के और पी के बीच में क्या क्या आता है, के एल एम एन और ओ,
ठीक है, के और पी के बीच में एल एम एन ओ आते हैं, फिर ओ जे, इसमें क्या किया पीछे वाला ले लिया, एक में आगे वाला ले लिया एक में पीछे वाला। यहाँ से देखेंगे अगर जे से ओ तक, तो जे और ओ के बीच में के एल एम और एन आते हैं, ठीक है, चार अक्षर। सेम आर डब्ल्यू में नेक्स्ट वाला ले लिया, अब एस टी यू वी और डब्ल्यू, इसमें क्या किया पीछे वाला लिया, ओ से शुरू किया, पी क्यू आर एस और टी। तो एक बार चार जो है आगे वाले लिए हैं, एक बार चार पीछे वाले लिए हैं, तो पहले हम जो है एफ से आगे वाले चार लेते हैं। एफ में अगर हम छोड़ दें एफ जी एच आई और जे, चार अक्षर हमने छोड़ दिए, तो अगला क्या होगा के होगा। उसमें हम देखिए आई से जो है हम पीछे वाले लेंगे, तो डी से अगर हम देखें डी और आई के बीच में डी ई एफ जी और एच, आई आ रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पे के डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे एन और एस पहुँचने के लिए, ओ पी क्यू और आर, तो ये एस हो जाएगा और इस तरीके से एम आ जाएगा, तो ये के डी एस एम हो जाएगा। तो जो रिलेशन इनमें था वही सेम इसमें रखना है। अगर इसमें पाँच का डिफरेंस है तो पहले वाले में पाँच का, फिर चार का तीन का जो भी डिफरेंस चल रहा है वो सेम उसमें भी लगेगा। ओके, अगला है श्रृंखला पूर्ण करने वाले लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए जो इस श्रृंखला को पूरा कर सकें, क्वेश्चन नंबर 16 में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन्हें बांट सकते हैं आप, पहले आप इन्हें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ये टोटल। तो आप कितने कितने के पेयर जो हैं बना सकते हैं जो पूरा कंप्लीट हो जाए, तो हम 6-6 के पेयर बना लेते हैं। तो 2 और 2 4 और 2 6, ये एक पेयर बन गया, 2 2 4 और 2 6, ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बच गया, ठीक है। अब एक एक पेयर में देखें हम, तो दो बार बी आया है, दो बार सी आया है, तो चांसेस हैं यहाँ पर हम डबल ए लिख दें, तो तीनों डबल डबल आ रही है, डबल ए डबल बी डबल बी और डबल सी। सीएम में देखिए डबल सी और डबल ए दिए हैं और जगह छोड़ी हुई है, तो यहाँ पर हम डबल बी लिख सकते हैं, ठीक है। उससे अगले में डबल बी भी दे दिया, डबल ए भी दे दिया, तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा डबल सी आ जाएगा, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए ए बी बी सी सी, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 20 पैसे और 25 के 324 सिक्कों के कुल से रुपये 71 की राशि बनती है। 20 पैसे और 25 के, मतलब 20 पैसे हैं और 25 के 324 सिक्के हैं टोटल, और उनसे 71 रुपये की राशि जो है बन रही है। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है हमें काउंट करनी है, ठीक है। तो अब देखिए टोटल कितने सिक्के हैं, 324। ना हमें ये पता है कि 20 पैसे के कितने सिक्के हैं और ना हमें ये पता है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि 20 पैसे के सिक्के मेरे पास x हैं, 20 पैसे के सिक्के कितने हैं x हैं, तो 25 पैसे के कितने हो जाएंगे, 324 में से ये 20 वाले माइनस हो जाएंगे, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे मेरे पास, 324 माइनस के हो जाएगा, ठीक है। 20 पैसे के x और 324 माइनस x, और दोनों को जोड़कर क्या मिल रहा है मुझे, 71 मिल रहा है। और 71 की राशि को अगर हम पैसों में बना लें तो कितने बन जाएंगे, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 71 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 7100 हो जाएंगे। तो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, देखिए 20 पैसे है ना, तो 20x लिख दिया मैंने, प्लस 25 जो है ये 324 माइनस एक्स हो जाएगा और इक्वल टू में 7100 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 20x और 25 और 324 को करेंगे तो ये हो जाएगा 8100 माइनस 25x इक्वल टू 7100, ठीक है। 25 में से 20x माइनस अगर हम करेंगे तो कितना बचेगा, 5x, ठीक है। और 71 को इधर ले आएंगे, जो माइनस का 5x था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 81 में से 71 माइनस गए 1000, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी, ठीक है। और इसने यही पूछा था 20 पैसों की संख्या की सिक्कों की संख्या कितनी, और हमने कितने माने थे, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या एक्स ही मानी थी और हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 200, ठीक है। अगर वो आपसे 25 पैसे की पूछता तो 324 में से 200 माइनस कर दीजिए, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या भी जो है निकल जाती, ठीक। चलिए अगला देखिए, स्थानीय बाजार में पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दाम बढ़े हैं, अत्यधिक वर्षा से राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो गई है। तो इसमें बताना है कि कथन एक जो है कारण है और दो उसका प्रभाव है, या कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव, या दोनों स्वतंत्र कारण है या उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव। अब देखिए इसने कहा है कि स्थानीय बाजारों में पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दाम जो है बढ़ रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए सेकंड में कहा कि बहुत ज्यादा वर्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो गई है। तो सेकंड जो है वो क्या हो सकता है, कारण हो सकता है, और उसका प्रभाव क्या हो सकता है कि सब्जियों के दाम उस कारण मतलब बढ़े हैं। तो कथन दो जो है कारण है और कथन एक प्रभाव है, ठीक है। सब्जियों के दाम बढ़ने का कारण भी तो कौन सा है, यही तो है, ठीक है। और अगर कारण ये है तभी सब्जियों के दाम जो है बढ़े हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है जान्या एरिक से बड़ी है, इसने कहा जान्या एरिक से बड़ी है और कलिफ जो है ये जान्या से बड़ी है। वेट ए सेकेंड, जान्या ठीक है एरिक से बड़ी हो जाएगी, क्लिफ जो है ये जान्या से बड़ा है और एरिक कलिफ से बड़ा है। तो यदि पहले दो कथन सत्य है तो तीसरा कथन क्या है, सत्य है असत्य है या फिर अनिश्चित या कोई नहीं। ये कह रहा है जान्या एरिक से बड़ी हो गई और क्लिफ जान्या से बड़ा हो गया, तो जब दोनों ही सत्य हैं तो एरिक क्लिफ से कैसे बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या निकल जाएगा यहाँ पे, असत्य, ठीक। क्या उद्योगों में ऊंची चिमनियां लगाई जानी चाहिए, तर्क है हाँ यह आधारभूत स्तर पर प्रदूषण घटा देता है, नहीं यह उच्च वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ाता है। तो अगर हम बात करें ऊंची चिमनियां, क्या उद्योगों में ऊंची चिमनियां लगाई जानी चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, क्योंकि यह आधारभूत स्तर पर, ठीक है, जो बेस होता है उस पर प्रदूषण को घटा देता है अगर ऊंची चिमनियां होंगी तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको जो है NCERT में मिल जाएंगे, ठीक है। NCERT अगर आप 9th 10th की भी पढ़ते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चंस जो हैं गिवन हैं कि कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट है ये जारी करता है UNDP, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, पूछा है इसने, जो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। अब भूगर्भीय ऊर्जा है, क्या है गैर परंपरागत स्रोत है, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG गैस और जलीय ऊर्जा, ये दोनों ही गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो बी और सी जो है दोनों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कृषि के धारणे विकास के संबंध में निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। यहां पे कहा गया सामान्य यूरिया की बजाय नीम चढ़ा हुआ यूरिया प्रयोग करना धारणी उपायों में से एक है, तो बिल्कुल सही है। फसलों का आवश्यकता आधारित संकरण जैसे मरुद्भिदों और लवणभिदों की किस्में सूखा और लवणीय जल के क्षेत्रों में विकसित करना, तो दोनों ही जो है बिल्कुल सही है, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन से खाद्यान्नाज में उच्चतम प्रोटीन और न्यूनतम ग्लाइसिमिक सूचकांक है, उच्चतम प्रोटीन होता है जिसमें, तो वो है मोटा अनाज, फर्स्ट ऑप्शन। लीला मेनन जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी वे क्या थी, कथक नर्तकी थी, वायलिन वादक थी, हिंदुस्तान गायिका या पत्रकार। तो लीला मेनन जिनकी मृत्यु हुई थी वो थी एक पत्रकार, ठीक है। भारत में देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, राष्ट्रपति या अटॉर्नी जनरल। तो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछा है वो कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उनके निर्माताओं के अनुसार पहचानिए, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया, बिल्कुल सही है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया, ये भी बिल्कुल सही है। हुमायूं का मकबरा जहांगीर ने नहीं बनाया था, हुमायूं का मकबरा बनाया था हुमायूं की बेगम हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम, ठीक है, उसने बनवाया था। तो यहाँ पर 1 और 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। भारत का परमाणु शक्ति तीव्र उत्पादक परीक्षण संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर पूछा है FBTR के बारे में कि ये भारत में कहाँ पर है। तो ऑप्शन है कुडनकुलम, तारापुर, कल्पक्कम या कैगा। तो बात करें अगर हम FBTR की, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, ठीक है, वही तीव्र उत्पादक परीक्षण संयंत्र। तो ये है भारत में कल्पक्कम में, ठीक है, कल्पक्कम इसका सही हो जाएगा। अगला है मुगल काल के दौरान सेवा में आने वाले को मनसबदार के रूप में शामिल किया जाता था, वह डैश से संदर्भित है, तो वह श्रेणी प्रणाली से संदर्भित है,
अगला था उत्पादक केंद्रों से मिलाना था यहाँ पे, तो चक्कन औद्योगिक केंद्र क्या है? ऑटोमोबाइल उद्योग, सूरत में, सूरत में है हीरा कटाई और पॉलिशिंग, तिरुपुर में है वस्त्र उद्योग और बद्दी में है फार्मास्यूटिकल उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में योनो इंटरफेस बैंकिंग ऐप किसके द्वारा लाया गया? योनो इंटरफेस बैंकिंग ऐप, तो ये किस बैंक के द्वारा लाया गया था? SBI बैंक के द्वारा। असम राज्य में नागरिकता अनिश्चितता के संदर्भ में नागरिकता का अर्थ क्या है? यह एक समाज की पूर्ण और समान सदस्यता है, तो नो। राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे। ठीक, 1998 में संचालित पोखरण परमाणु बम परीक्षण के लिए कूट नाम क्या है? तो दो परमाणु परीक्षण हुए हैं, एक 1974 में हुआ था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, जो 1974 में हुआ था, और एक हुआ था 1998 में जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो ये दोनों नाम कंफ्यूज कर देते हैं, तो ये याद रखिए इसको। स्मारकों, ऐतिहासिक स्थानों आदि की सुरक्षा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये है आर्टिकल 49 में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक नगर गंगईकोंड चोलपुरम किसके द्वारा बनाया गया है? गंगईकोंड चोलपुरम जो है ये बनाया गया है राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा। ठीक है, हाल ही में हुए 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने प्राप्त किया था? जब 2018 में हुए थे तो मैरी कॉम ने जो था सबसे पहला पदक जीता था। भारत में संसद के उच्च सदन में कार्यालय का कार्यकाल, उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है, और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, विश्व में जैव संरक्षित क्षेत्रों की पहचान कौन करता है? UNEP, UNFCCC, यूनेस्को या UNDP? तो जैव संरक्षित क्षेत्रों की पहचान करता है यूनेस्को, तो बी ऑप्शन करेक्ट। शुष्क सेल बैटरियों में जो ड्राई सेल होती हैं उसमें क्या होता है? तो निकल भी होता है, कैडमियम भी होता है, तो दोनों ही होते हैं, तो ए और बी। ठीक है, अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय विषय क्या था? डिजिटल अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास, गरीबी हटाओ या भारत को शक्तिशाली बनाना और महिलाओं को शक्तिशाली बनाना। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो केंद्रीय विषय था वो क्या था? समावेशी विकास, तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये हो गए हैं 40 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन हैं। एक घड़ी रुपए 150 में 25% लाभ पर बेची जाती है, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो हमेशा जब भी आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस दिखे ना, तो 100% मान के चलिए, और लाभ की बात आ रही है यहाँ पे, मतलब CP और SP में से कोई क्वेश्चन आता है तो हमेशा CP को क्या मानिए आप? 100% मानिए, CP कितना है? 100% है। फिर ये कह रहा है कि 150 रुपये में जब बेच रहा है वो, तो उसे 25% लाभ हो रहा है, CP 100 था, अगर उसे 25% लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा, और उस 125% की वैल्यू कितनी है? 150 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर वो 50% लाभ प्राप्त करना चाहता है, CP 100 है और 50% लाभ चाहिए उसे, तो वैसे कितना लाभ हो जाएगा टोटल? 150%। तो हमें यहाँ पे 150% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसमें सीधा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 150 × 150 / 125। ये ऐसे ही निकाल सकते हैं कि 125% की वैल्यू आ गई, जैसे 125% की वैल्यू कितनी है? 150 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 / 125, हमें वैल्यू चाहिए 150% की। ठीक है, तो इनटू में 150 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इनको कट कर लीजिए, 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 0 × 25 = 150, 180 जो है इसका राइट आंसर निकल जाएगा। ओके, फिर कह रहा है 5, 8, 12 का लघुतम समापवर्त्य इस संख्या का अपवर्त्य नहीं, मतलब इनका जो एलसीएम आएगा वो इसमें से किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं होगा। अब 5, 8, 12 का जो अगर हम देखेंगे एलसीएम कितना आएगा, 2 × 8 = 2, 6 = 12, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, 5 × 10 = 30, 2 × 60 = 120। अब 120 5 से भी कट होगा,
सॉरी, 4 से भी कट होगा, 6 से भी कट होगा, 8 से भी कट होगा, 7 से कट नहीं होगा, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, श्री बीन कौन के वेतन में 20% की वृद्धि मिलने के बाद इतने रुपए मिलते, तो उनका आरंभिक वेतन क्या था। देखिए फिर से परसेंटेज का, तो मैं मान लेती हूँ कि उसका आरंभिक वेतन 100% था, अब उसमें 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 120% हो गई, और 120% की वैल्यू दे रहा है 33,000, और इसने पूछ लिया आरंभिक वेतन, आरंभिक वेतन कितना था 100%। जब 120% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से, 33,000 बटे 120, और फिर हमें चाहिए 100% की, तो गुना में 100 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, और इसको काट लीजिए, ये पूरा कट जाएगा 6 पे, 6 5 30 हो जाएगा, और 6 5 30 5,500, 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई सॉरी 5 5 25, 2 5 5 25, 26 27, 27,500 जो है उसका आरंभिक वेतन था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 60 लीटर का एक मिश्रण है, टोटल जो है 60 लीटर का मिश्रण है, उसमें दूध और जल यानी कि मिल्क और वाटर का रेशो दे दिया 2:1, और इस अनुपात को हमें 1:2 करना है, तो जल की मिलाई जाने वाली मात्रा कितनी हो जाएगी। देखिए अब मिल्क और वाटर का रेशो दिया और टोटल 60 है, तो हम यहाँ से मिल्क की भी मात्रा निकाल सकते हैं कि मिल्क कितने लीटर है और वाटर कितने लीटर है, तो देखिए टोटल हो जाएगा यहाँ पे 3, हम पहले मिल्क की निकाल रहे हैं, तो 3 × 2 × 60 हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6, तो मिल्क की जो मात्रा आई वो आई 40 लीटर। अगर 40 लीटर इस 60 लीटर में दूध है, तो 20 लीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, वाटर हो जाएगा। ठीक है, 40 लीटर मिल्क है और 20 लीटर वाटर है, इसीलिए इनका जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। ठीक, और हमें इस रेशियो को क्या करना है, 1:2 करना है, तो इस 20 लीटर में और कितना पानी मिलाए कि ये मात्रा 1:2 हो जाए। ठीक है, तो हम इसमें देखिए 60 लीटर मिला के देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 80 लीटर, 40 लीटर दूध था और 80 लीटर अब वाटर हो गया है, तो क्या इनका रेशो आ रहा है 1:2, तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 लीटर हम उसमें पानी मिलाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दो व्यक्ति हैं एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये दोनों 12 किलोमीटर। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल एक पॉइंट है, एक जा रहा है 6.5 किलोमीटर एक घंटे में यहाँ पहुँच गया, और ये एक घंटे में 5.5 किलोमीटर पहुँच गया। इसने पूछा कि दोनों 12 किलोमीटर दूर कब होंगे, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ से अगर हम देखें 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, 11 और आधा आधा मीटर, ये तो टोटल 12 मीटर तो हो ही ना गया, ये 12 किलोमीटर एक दूसरे से दूर कब जा रहे हैं, सिर्फ एक ही घंटे में जो है ये एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं, तो 60 मिनट में ये 12 किलोमीटर दूर एक दूसरे से होंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं निकाल पाते हैं, तो जो इसकी जो रिलेटिव स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिलेटिव स्पीड में अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो जो स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है, तो 6.5 और 5.5 को अगर हम ऐड भी कर दें रिलेटिव स्पीड को, तो कितना आएगा, यहाँ से 24/2 आ जाएगा सॉल्व करके, और यहाँ से मिल जाएगा हमें 12 किलोमीटर पर आवर। अब हमें स्पीड मिल गई, डिस्टेंस हमारे पास है, हमें टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 12, स्पीड है 12, तो टाइम कितना निकल गया, 1 आवर या 60 मिनट कह लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 8 की पावर दे दी 0.75, और यहाँ पर घनमूल दे दिया, इसका क्यूब रूट दे दिया है, तो इसका मान बताना है। तो पहले ना आप अंदर वाले को सोल्व करके देखिए, इस 3 को भी छोड़ देते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 75/100 लिख सकते हैं, तो 25 × 100 और 25 × 75, सॉरी एक मिनट, तो 8³ आ जाएगा। ठीक है, और 8 जो है किसी की इसको 8³ ही रखिए, और यहाँ पर दिया है घनमूल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8³ और उसका जो है उसकी भी पावर हो जाएगी 1/3। ठीक है, उसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, तो ये देखिए 8, तो ये हो जाएगा 8³ × 1/3, तो यहाँ से 3 कैंसिल भी कर रहे हैं, तो भी 8³ हमारे पास 1/4 बच रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर दिया गया वो 2 की पावर में दिया गया, तो हम इस 8 को 2 की पावर बना लेते हैं,
तो 2 की पावर 3 होता है 8, तो 2 की पावर 3 इंटू 1 बाई 4, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 बाई 4। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि 2 की पावर दी 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 3, तो x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए x हमारे पास जब पावर में होता है तो हमें इनके बेस को सेम करना पड़ता है, ठीक है, तभी हम पावर को इक्वल रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग बेस है, तो यहाँ पे मैंने रखा 2 की पावर 4x माइनस 1, बिल्कुल सेम। फिर आगे हम देखें इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की स्केयर लिख सकते हैं, और x माइनस 3 ऑलरेडी था ही उसमें, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस में 6 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके 2 अंदर। और इसको क्या लिख सकते हैं 8x को 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब बेस सेम का मतलब जैसे यहाँ पे 2 है और 2 की पावर दी गई है, तो जब बेस सेम होता है तो ये पावर ऐड हो जाती है इनकी, तो यहाँ पे एक सिंगल 2 लिखेंगे और इनकी जो पावर है उनको ऐड कर देंगे, ये x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 6, और ये बचेगा 2 की पावर 3x। अब देखिए बेस दोनों का इक्वल है तो हम इनकी जो पावर है उनको भी इक्वल रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू में 3x। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इधर से ये बचेगा, वेट, टू की पावर जो है 2x माइनस 6 रहेगा, 4x है, ये यहाँ पे 4x था, तो आप देख सकते हैं 6x हो जाएगा और ये माइनस का 3x हो जाएगा, उधर जाके 6 प्लस का और प्लस का 1 7, तो 3x इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 बाई 3 आ जाएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का HCF 12 है और उनका अंतर 12, डिफरेंस भी दे दिया और HCF भी दे दिया, तो संख्याएं बतानी है, तो आप देखिए सीधा ऑप्शन से चेक करेंगे कि क्या अंतर 12 आ रहा है किसी का, तो 24 और 48 का अंतर कितना आएगा, 24 दुनिया 48 होता तो 24 हो रहा है, तो ये तो होगी ही नहीं, 24 72 का अंतर भी 12 नहीं होता, ये भी नहीं होगी, 24 और 36 का देखेंगे तो डिफरेंस 12 आ रहा है, तो अब हमें क्या देखना है, इसका HCF देखना है, क्या HCF 12 है इसका, तो ये भी आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे रखेंगे 36 को और 24 से कर लीजिए, 24 एकम 24, 6 4 2, 3 में से 2 गया 1, तो और 12 दूनी 24, तो आप बता सकते हैं कि इसका HCF भी जो है 12 आ रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डिफरेंस भी 12 और HCF भी। तो HCF चेक करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है, हो सकता था 36 का HCF 12 ना निकलता, तब हमारा आंसर डी हो सकता था, इसीलिए दोनों चीज़ चेक कीजिए, डिफरेंस भी चेक कीजिए और HCF भी, क्या वो दोनों आ रहे हैं, तो दोनों आ रहे हैं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे भिन्नात्मक रूप लिखना है इसका, अब देखेंगे अगर आप इस संख्या में, तो कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ये 31 जो है 31 बार बार रिपीट हो रहा है, और जब कोई संख्या रिपीट होती है तो हम क्या लगा देते हैं, उस संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 231, और ये बार वाले क्वेश्चन हमने पहले दो मॉक टेस्ट में भी किए थे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो जिसपे बार नहीं है उस संख्या को माइनस कर देंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या होगा, जिन पर बार है उनके लिए तो 9 लगा लेंगे, और जिन पर बार नहीं है उनके लिए हम 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 229 बाई 990। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अगला देखिए, ए रेशो बी दिया है, एक्स रेशो वाई दिया है, 5ax प्लस 3by की जो है वैल्यू बतानी। देखिए ए रेशो बी का मतलब क्या है, ए बाई बी लिख सकते हैं इसे, मीन्स 2/3, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, सेम एक्स वाई है तो इसे हम एक्स बाई वाई लिख सकते हैं, तो 4/5, x की वैल्यू 5, 4 की 5 की वाई की वैल्यू 5, तो सिंपल इसमें रख लीजिए और इसे अपॉन में रख के आंसर निकाल दीजिए, वो उसका रेशियो निकल जाएगा। सिंपल यहाँ पे रख लेते, देखिए a की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 चौक 40 प्लस 3by, 3 और b की वैल्यू 3 ही है, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45 रेशो ये है 10ax, a की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 4 है, तो 4 × 2 = 8 और 10 = 80 हो जाएगा, प्लस में 4by, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 8 = 85 और 140, इसको कट करेंगे अगर हम, 5 × 5 = 17 पे जाएगा और 5 × 2 = 10 × 5 = 48 17 = 28, इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा।
ठीक है। अगला देखिए, 90 लोगों का एक समूह है जिसमें 45 कॉफी पसंद करते हैं, 55 चाय पसंद करते हैं। कुल 90 में से प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कोई ना एक, मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे भी है जो दोनों ही भी पसंद करता होगा, तो उनकी संख्या बतानी है। देखिए टोटल कितनी है, 90 है। एक समूह है 45 जो कॉफी पसंद कर रहा है, दूसरा समूह है जो 55 लोगों का जो चाय पसंद कर रहा है। अब इस 90 में से प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से एक पेय अवश्य पसंद करता है, तो दोनों पे तो हमें ये वाली संख्या निकालनी है कि जो दोनों को ही पसंद करता है, कॉफी को भी और चाय को भी। अगर हम 45 और 55 को जोड़े तो हमारे पास संख्या आएगी 100, लेकिन टोटल संख्या इसने तो कहा था कि 90 है, तो ऑब्वियस है इन 100 में कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों चीज पसंद करते हैं, तो 100 में से 90 को माइनस कर दीजिए, 10 बच्चे ऐसे निकलेंगे जो दोनों को पसंद करते, तो राइट आंसर यहां पे 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एन प्राकृत संख्याओं का योग संबंध ये है, तो जब योग 276 हो तो एन ज्ञात करें। तो देखिए मैं फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, कैसे देखिए, योग दे दिया यानी कि ये सम एस की वैल्यू 276 दे दी है और हमें सिर्फ इस एन की वैल्यू निकालनी है, तो ये एन एन प्लस वन, इस टू को हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये 552 हो जाएगा आई थिंक, या 552 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस तरफ एन स्क्वायर प्लस एन, फिर इसको हम इधर ले आएंगे, तो फैक्टर से होगा ये आंसर माइनस 552 इक्वल टू जीरो। अब 552 किसके फैक्टर्स बन रहे हैं, एक 23 का और एक माइनस 24 का, क्योंकि हमें माइनस 52 चाहिए तो माइनस 24 लेना पड़ेगा, लेकिन जब इनके एक्चुअल वैल्यू आएगी तो इनका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। 23 मान लीजिए, एक मिनट सॉरी, 23 और 24 का जो है बनेगा, और 24 इसमें सॉरी उसका होगा प्लस का, और 23 माइनस का होगा, और एक्चुअल जब आएगी तो इनकी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो 23 और माइनस 24 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसलिए हम जो है सम जो पॉजिटिव वैल्यू है वो लेते हैं, तो 23 यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा इसका। ठीक है, अगला है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है। ये कह रहा है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों ही समान है। वृत्त की परिधि हमें पता है 2πr होती है और क्षेत्रफल होता है πr², ये इक्वल दे दिया, इसकी त्रिज्या बतानी है। अब तो पाई से पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 यूनिट, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 28 सेंटीमीटर व्यास का एक खिलौना है, 28 सेंटीमीटर अगर उसका डायामीटर है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, 28 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 14 जो है उसकी रेडियस निकल जाएगी। एक पहिया कितनी बार घूमेगा, पहिया तो पूरा घूमता है, मींस परिधि की बात हो रही है, जो 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी है, तो हम कह सकते हैं कि 2πr जो है हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 गुना में 14, 7 × 14, 22 × 44 × 88, 88 उसकी परिधि आ गई और उसे दूरी तय करनी है 880 सेंटीमीटर की, तो 880/88 कर दीजिए, तो 88 × 88 और 0, 10 जो है 10 बार जो है वो पूरा घूमेगा चक्कर, तब जाकर वो 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि 12 घोड़े या 16 गायें 20 दिनों में 60 किलोग्राम चारा खाती है, तो 24 घोड़े और 24 गायों को 30 दिन के लिए कितना चारा चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया, या तो 12 घोड़े हो, ठीक है, 12 हॉर्स को किसके सिमिलर दे दिया है, 16 काऊ के सिमिलर दे दिया है, ठीक है, और 24 घोड़े और 24 गायों को 30 दिन के लिए कितना चारा चाहिए ये बताना है। ठीक है, तो 12 घोड़े 16 गायें के बराबर होगी, और यहाँ पर 24 घोड़े जो है किसके बराबर आ रहे हैं, 24 गायों के बराबर आ रहे हैं, सॉरी एक मिनट, यस 24 गाय, ये बताना हमें कि ये दोनों मिलकर जो है कितना चारा जो है चाहिएगा। तो देखिए 12 हॉर्स है और 16 जो है काव है, तो हम क्या कर लेते हैं, इनको इक्वल कर लेते हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 24 हॉर्स, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 32 काव, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये 56 गाय के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हमने इसे गाय के बराबर कर लिया, तो 56 गाय जो है ये टोटल बन जाएगी। अब ये कह रहा है कि अगर 12 घोड़े या 16 गाय, 12 घोड़े या 16 गाय हैं, और हमने टोटल लगा लिए हैं कितने, 56। देखिए दोबारा देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है कि 12 घोड़े या 16 गाय,
या तो 12 घोड़े 20 दिन में 60 किलोग्राम चारा खा सकती हैं, या फिर 16 गायें 20 दिन में 60 किलोग्राम, यानी कि 12 गायें किसके सिमिलर आ रही हैं या इक्वल आ रही हैं, 16 गायों के बराबर आ रही हैं, ठीक है। 12 हॉर्सेज 16 काओ के बराबर आ रही हैं। फिर इसने पूछा 24 घोड़े और 24 गायों को 30 दिन के लिए कितना चारा चाहिए, यानी कि 24 घोड़े और 24 काओ मिलकर खाएंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या बदल लेते हैं, एक में बदल लेते हैं, या तो इसे हॉर्स में चेंज कर लीजिए इन सारों को, या फिर इसको गाय में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 24 आवर, 24 जो हॉर्स हैं वो बराबर आते हैं 32 काऊ के, ठीक है। 32 काऊ के बराबर हैं 24 हॉर्स। अब यहां पर अगर हम देखें तो 24 हॉर्स हमें पता है किसके बराबर है, 32 काऊ के बराबर है, तो ये 32 हो जाएगा यहाँ पे, और 24 काऊ ऑलरेडी थी ही, तो हमें बताना है कि ये 56 जो गायें आई हैं वो 30 दिनों के लिए कितना चारा खाएंगी। तो पहले में कहा गया M1D1 लगाएंगे, जब 16 गायें हैं और 20 दिनों में वो 60 किलोग्राम चारा खा रही हैं, हमें बताना है 56 जो है मिलकर 30 दिनों में कितना चारा वो खाएंगी, ठीक है। तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 56 into 30 into 60 upon 16 into 20, 20 + 60 = 60। ओके, तो इसे जब आप कट करेंगे तो यहाँ से जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा 315 किलोग्राम, बी ऑप्शन। तो आप किसी में एक में भी चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें किसका ज़्यादा चांसेस दिख रहे थे इक्वल करने के, 24 आवर्स 24 काऊ पूछी थी, तो हम यहाँ से निकाल सकते थे कि 24 आवर कितने काऊ के बराबर आएगी, ठीक है। और यहाँ से हमने निकाल लिया कि 24 जो घोड़े हैं वो 32 गायों के बराबर हैं, और उस वैल्यू को हमने यहाँ पर रख लिया और दोनों को इक्वल बना लिया, मतलब कि गाय गाय बना लिया, या हॉर्स हॉर्स भी बना सकते हैं, गाय गाय भी, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी किसकी बनाने में फ़ायदा था हमारा, हॉर्स की, ठीक है, मतलब गायों को इक्वल करना ज़्यादा ज़रूरी था। अगला देखिए, यदि 5 किलोग्राम आम रुपये 100 प्रति केजी, यानी कि 5 किलोग्राम जो है 100 के भाव से, तो कितना हो गया 1500 हो गया, 6 के भी 110 किलोग्राम के भाव से, तो ये 1660 हो जाएगा, ठीक है, 1660, ओके सॉरी 660, 1660 नहीं 500 और 660, ओके 9 के जी 120 के भाव से, तो ये हो जाएगा 1080, टोटल कितने रुपए हो गए 2240। तो इसने कहा फलों का प्रति किलोग्राम औसत मान 2240 जो है टोटल रुपए हैं, कितने के जी के हैं टोटल 9, 6, 15 और 5, 20, बीच में से, तो औसत निकाल देंगे 112 रुपए जो है औसत मान निकल जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखिए, एक राशि को 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के एक दर पर दिया गया, यदि इसे 2% अधिक दर पर दिया जाता तो 56 रुपये अधिक मिलते। देखिए 4 वर्षों के लिए दिया गया है, अब कह रहा है कि दर को अगर हम 2% बढ़ा देते, ठीक है, तो 2% हर साल लगती ना वो, तो 4 साल में कितने प्रतिशत हो जाती, 8% हो जाती, 4 × 2 = 8, और 8% की वैल्यू दे रहा है ये 56 रुपये, तो 1% की कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। इसने पूछा राशि ज्ञात कीजिए, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो कितनी हो जाएगी 100 × 7 = 700 जो है इसका राशि आ जाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से एक राशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसके लिए ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3 वर्षों के लिए जब पूछा जाता है, तो दो तरीके से आता है, एक 2 वर्ष के लिए आता है, एक 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए जो फॉर्मूला होता है, अंतर दिया गया हो तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंस इक्वल टू यहाँ पे प्रिंसिपल होता है 3 × r² / 100 का स्केयर और प्लस r³/100 का क्यूब, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, और ऐसा क्वेश्चन देते हैं वो एग्जाम में, ठीक है। तो डिफरेंस हमें पता है कितना है, 110.16 है, हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपली तो निकालना है, वो राशि निकालनी है, और यहाँ पे 3 r² कितना है, रेट कितना है 6² / 100² और ये 6³/100 बस इसको सॉल्व करना है अब, ठीक है। ये हो जाएगा 6 × 6 = 36, 36 = 3 108 और बटे में ये 100² और प्लस 2 16 100³
थ्री, तो यहाँ से जो इनका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 100 की पावर 3, ये हो जाएगा 10800 प्लस 216, तो यहाँ को से हम सोल्व करेंगे तो 11016 बाय 16, और ये जो 100.16 था इसको भी उधर ले जाएंगे, तो टोटल यहाँ से सोल्व करने के बाद 10,000 रुपीज़ जो है इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है ये फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, या तो 2 वर्ष के लिए पूछेगा या 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला अलग होता है और 3 वर्ष के लिए ये होता है। ओके, अगला है सुश्री ए और श्री बी एक परीक्षा में 78% और 72% अंक प्राप्त करती है, यदि उनके अंतर अंकों में अंतर 36 है तो अधिकतम अंक के लिए परीक्षा रखी गई थी। देखिए, एक 78% एक 72, अगर परसेंटेज में डिफरेंस देखिए तो कितने परसेंट का, 6% का, और वैसे अंतर कितना है नंबर में 36 का, तो 6% की वैल्यू कितनी होगी 36, एक की कितनी हो जाएगी 6, और इसने पूछा अधिकतम अंक यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है तो 600 हो जाएगी। ठीक है, तो परसेंटेज वाले हमेशा इस तरीके से कीजिए परसेंट मान के, तो 3 लाइनों में क्वेश्चन खत्म। चलिए अब आती है बात जनरल इंग्लिश की, करते हैं चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, वॉइस बताना है, चेंज करना है। आई वॉज बींग टेकन टू प्रिजन बाई माई कैप्चर्स, माई कैप्चर टुक मी टू प्रिजन, माई कैप्चर्स आर टेकिंग मी टू प्रिजन, माई कैप्चर्स हैव टेकन मी टू प्रिजन, या माई कैप्चर्स वो आर टेकिंग मी टू प्रिजन, तो इसमें से कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माई कैप्चर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल आ गया ना, तो वाज की जगह वर हो जाएगा, बींग टेकन था तो टेकिंग मी टू प्रिजन। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसिव में दिया है तो हमें इसका ये एक्टिव बनाना था। ओके, नेक्स्ट है आई नो हर, शी वॉज नोन टू मी, शी इज नोन टू मी, शी इज नोन बाई मी, या नन ऑफ दी अबव, आई नो हर, तो इसका क्या हो जाएगा, शी इज नोन टू मी, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पॉजिटिव डिग्री, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल। ओके, पॉजिटिव डिग्री में बताना है, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, आयरन इज एज यूजफुल एज अदर मेटल, आयरन इज नॉट यूजलेस कंपेयर टू अदर मेटल, या नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, तो इसका पॉजिटिव डिग्री में आंसर देना है हमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जोशी राइट्स मोर इंटरेस्टिंगली दैन मोस्ट हिस्टोरियंस, फ्यू हिस्टोरियन राइट एज इंटरेस्टिंगली एज जोशी, नो हिस्टोरियन राइट एज इंटरेस्टिंगली एज जोशी, जोशी राइट एंड इंटरेस्टिंग एज अदर हिस्टोरियन, या नन ऑफ द अबव, तो ये हो जाएगा फ्यू हिस्टोरियंस राइट एज इंटरेस्टिंगली एज जोशी। ठीक है, I don't think I dash be able to go. Shall, should, can. कौन सा आ जाएगा इसमें? इसमें आएगा I don't think I shall be able to go. Shall हो जाएगा. He dash not pay unless he is compelled. तो यहाँ पे हो जाएगा He will not pay unless he is compelled. Dash I carry the box into the house for you. Dash I carry. क्या हो जाएगा? Could I carry the box? D. आगे select the wrongly spelt word बताना कि जो इसमें से wrong है. Facilitate बिल्कुल सही लिखा है, fragrant भी सही है, industrious भी ठीक है, क्या गलत है? Momentous. इसको कैसे लिखते हैं? Momentous. तो यहाँ पे A नहीं आएगा, moment होता है ना, तो E हो जाएगा, बाकी सही है, मोमेंटियस ई आएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला है अग्रेसिव, एग्रीवेट सॉरी, एलिविएट, लीजियरली और स्पीरियस, तो इसमें से गलत बताना है कौन सा हो जाएगा, तो एग्रीवेट लिखा है, एग्रावेट होता है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है सिलेक्ट द कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, आई शैल कम व्हेन आई एम इन बेटर हेल्थ, With a great effort, he lifted the box. To avoid punishment, he ran away. He was rejected, owing to
इल हेल्थ। तो इसमें से हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना था। तो सेंटेंस आपको पता है तीन तरीके के जो होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे प्लीज सिट डाउन हो गया, वेयर आर यू गोइंग हो गया, या राम इज कमिंग हेयर। तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस होते हैं। एक कंपाउंड सेंटेंस होते हैं जो किसी चीज़ के द्वारा जुड़े होते हैं, एंड के द्वारा जुड़ गए, येट हो गया, सो हो गया, बट हो गया, तो कुछ इस तरीके के होते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है वो कनेक्ट होता है, और मतलब डिपेंडेंट होता है अदर क्लोज पे। तो वो कुछ इसमें से बताना है 70 में से। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं मतलब वहाँ पर पहुँचा, शी वॉज स्लीपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही बन रहा है 70 का? अगर यहाँ पर देखें तो आई शेल कम व्हेन आई एम इन बेटर हेल्थ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ही नीदर रिटर्न द गुड नॉर पेड द बिल, ही ट्राइड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड, हैविंग फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक्स, या ही स्टडिंग हार्ड सो दैट ही मे बिकम ए डॉक्टर। तो इसमें कॉम्प्लेक्स ही बताना है अभी हमें, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है, या कॉम्प्लेक्स बताना है। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ही इज स्टडिंग हार्ड सो दैट ही बिकम ए डॉक्टर, ठीक है। तो डिपेंड है, अब वो मेहनत करेगा तभी डॉक्टर बनेगा, और डॉक्टर बना क्योंकि उसने मेहनत की। अगला है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद, सेड टू हिम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज नॉट योर नेम अहमद। तो देखिए यहाँ पे आया है क्वेश्चन मार्क के साथ, तो ही इंक्वायर्ड इफ हिज नेम वॉज नॉट अहमद, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक। ही शेड आई शेल गो एज सून एज इट इज पॉसिबल, तो क्या हो जाएगा, ही शेड दैट ही वुड गो, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो ही वुड गो एज सून एज इट वॉज पॉसिबल, इसकी जगह वॉज हो जाएगा, ठीक है, बाकी वो सेम ही रहा। अगला है, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम बताने हैं इनसाइट और टिरेंट के। तो देखिए 74 का जो सिनोनिम हो जाएगा, ऑटोक्रेट, सेम वर्ड, ठीक है। और इनसाइट का क्या हो जाएगा, इनसाइट का हो जाएगा प्रोवोक। यूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज ए रेदर डैश प्रशन, ही इज ए रेदर इल्यूसिव पर्सन, इल्यूसिव होता है मिसलीडिंग, ठीक है, मिसलीडिंग। आई वुड डैश ऑब्लीग यू इन दिस मैटर बट देर आर इनसुपरेबल डिफिकल्टीज इन डूइंग सो, तो यहां पे आ जाएगा आई वुड फेन ऑब्लीग, फेन यानी कि ग्लैडली इसका मीनिंग होता है, तो आई वुड ग्लैडली ऑब्लीग, तो फेन जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। Select the meaning of the underlying idiom. When plague broke out in Mumbai, Dr. X did yeoman service. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, excellent work, charity, donated food, या none of the above. तो यहाँ हो जाएगा इसका मतलब excellent work. ठीक है, idiom है. I suspect that fellow has sent us on a wild goose chase. Defeated, foolish search, past the crisis, या under the control, wild goose chase. बार बार आता है ये, बहुत important है 79, तो इसका हो जाएगा A, foolish search, B. There are black sheep in every community. तो क्या हो जाएगा इसका, bad characters. हर एक मतलब community में bad, बुरे आदमी होते हैं, तो bad characters. ठीक है, अगला है, निम्नलिखित समासों के योग्य विग्रह वाक्यों के साथ जोड़िए, अव्यय भाव, तत्पुरुष। तो सबसे आसान देख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें पता है जो संख्या आती है, संख्यावाची जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, द्विगु समास में आते हैं, तो यहाँ पर पंचवटी में द्विगु लग जाएगा, तो यानी कि डी का 5 बनेगा, और डी का 5 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, ठीक है, पढ़ भी लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अव्ययी भाव पूछा गया है, अव्ययी भाव किस में है, अनजाने में है। तत्पुरुष किस में है, यहाँ पे तत्पुरुष जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, या
हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। ओके, दोनों पद नहीं होते तत्पुरुष में, सॉरी, वो द्वंद्व में होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान। तो ई का वन हो जाएगा धर्म मा धर्म, यानी कि धर्म ए धर्म, धर्माधर्म यानी कि धर्म और ए धर्म, तो दोनों पद प्रधान द्वंद्व चला जाएगा। क्रमधार्य, क्रमधार्य में क्या हो जाएगा, श्याम सुंदर, श्याम के समान सुंदर। और द्विगु हो गया था पंचवटी में, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुहावरों को उनके अर्थों के साथ जोड़े। अंग अंग ढीला होना मीन्स अधिक थक जाना। आगे है कान काटना, 82 कान काटना है, खून खोलना है, जूती चाटना है और धूल फांकना है। अंग अंग ढीला होना हो जाएगा अधिक थक जाना। तो यानी कि ए का अगर आप सेकंड देखेंगे तो ये दो ऑप्शन में आ रहा है, बी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है। फिर अगर हम देखें अगला कान काटना, तो कान काटना का क्या बन जाएगा, कान काटना बहुत चालाक होना, कान काटना बहुत चालाक होना, तो बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट ये सिर्फ एक में डी में हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे खून खोलना हो गया, खून खोलना क्या हो जाएगा, जोश में आना, या एक मिनट, यस, खून खोलना, जोश में आना, जूती चाटना, खुशामद करना, और धूल फांकना, मारा मारा फिरना, ठीक है। तो बाकी तीनों सेम है और इसमें ये दो हो जाएंगे, अंग अंग ढीला अधिक थकना और कान काटना बहुत चालाक होना। अनुजमा छेद का संधि रूप क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा, तो दोनों ही ऑप्शन सेम है इसमें, फर्स्ट और बी, ए और बी, तो दो ये हो जाएगा। अजय शब्द का अर्थ है जिसे जाना ना जा सके। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है, हथनी होता है, और हथनी कैसे लिखा जाता है, जैसे बी ऑप्शन में लिखा है, 85 का बी हो जाएगा, ठीक है। भोरे शब्द का जो समानार्थक नहीं है, भोरे को अली भी कहते हैं, भ्रमर भी कहते हैं और मधुप भी कहते हैं, सफरी नहीं कहते, तो डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है रिजु शब्द का विलोम, रिजु क्या होता है, सीधा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वक्र, क्योंकि अपोजिट बताना है। अनुजमा आया, इसमें संधि रूप क्या हो जाएगा इसका, अन्वय, अनुजमा आया अन्वय। गायक का संधि विग्रह, गई जमा अक, जैसे नायक होता है नई जमा अक, ठीक है, तो 89 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बाएं हाथ का खेल मुहावरे का अर्थ क्या है, अत्यंत सरल कार्य, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द संपत्ति से रिलेटेड नहीं है, अब दौलत भी संपत्ति वाचक है, वित्त भी, वित्त मंत्री बोलते हैं ना, विभूति भी, भेषज जो है संपत्ति वाचक नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। अभी पहुंचा हूं, यह वाक्य किस काल का है, भूत का तो है नहीं ना, भविष्य का, तो वर्तमान का हो जाएगा। वह नहीं जाता था, था है तो भूतकाल का हो जाएगा, ठीक है। संधि रूपों के साथ जोड़ने हैं, तो ऐसे में सिर्फ एक ही चीज़ याद रखिए, जिस पर डबल मात्रा आती है वो किस में जाती है, वृद्धि संधि में जाती है, तो ये वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें न्यून की, तो नी जमा ऊन, न्यून में कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी इसमें, ठीक है। नी जमा ऊन है ना, नहीं यन नहीं होगी, ओके एक मिनट, नी जमा ऊन में हो जाएगी यन संधि, ठीक है, यन संधि होगी नी जमा ऊन में। परम औषध में वृद्धि संधि हो जाएगी। फिर बचे गुण और दीर्घ संधि। दीर्घ में क्या होता है, बड़े मिलकर, मतलब बड़ा ऊ या छोटा ऊ मिलकर बड़ा ही बनाते, या ए और आ मिलकर आ बन जाता है, तो ये किस में आ रहा है, दीर्घ संधि। तो ये देखेंगे अगर हम, तो ये बन रहा है भुर्जित में, ठीक है। उसके बाद है, क्योंकि भू जमा उर्जित बनेगा ना, भू प्लस उर्जित, तो ये बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ ही बन जाएगा, भुर्जित, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बची यहाँ पे गुण संधि है, तो गुण संधि किस में हो जाएगी, सूर्योदय में, सूर्य जमा उदय, ठीक है, ए प्लस ऊ, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 94 का। अगला है अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, तो सर्वनाम इसमें अपने हो जाएगा। नी प्लस रोग का संधि रूप क्या बन जाएगा, निरोग, बी ओ वाला। व्याकरण हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो दो हो जाएगा। लुहार का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, लुहारिन हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सांडनी शब्द का अर्थ क्या है,
सान्नी शब्द का अर्थ है ओके मादा सांड, ठीक है। फूल शब्द का बहुवचन रूप फूल का फूल ही रहता है, तो 100 का ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे 100 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर जो TCT इंग्लिश का पूछा गया था 2018 में जो पेपर हुआ था। थैंक यू सो मच।